क्लास हम क्लोज कर दिए थे थोड़ा सा रेस्ट के लिए, है ना। गाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस कारण से। फिर से आपको यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे आज से, है ना। ध्यान से देखें, हम क्लास 9th में चल रहे हैं। क्लास 9th में इस टाइम में होता था। क्लास 9th एक्सरसाइज ध्यान से देखना 4.5 में आपको हम 1 से 16 हिसाब तक बता चुके। इसमें हिसाब क्या था थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए। वो था ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी फार्मूला थी ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर था कोई ए क्यू माइनस बी क्यू, और दो ही टाइप के हिसाब से था। ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको समझ के आप समझ गए होंगे कि कैसा कैसा हिसाब था। जैसे मैं एक हिसाब की बातें कर लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं हिंट आपको हिंट देना चाहूँगा। मुझे सोलह दिख रही, जब इसी पर बैठा ले रहे कौन कौन, एक कमेंट पर लिखा हुआ है 8 a³/47 अब b³/8। इसको तुरंत हम लोग इंस्टॉल करेंगे। हमको देखो यहाँ पे माइनस है तो इस पर बैठा हुआ है क्यू माइनस बी क्यू, क्यू भी दिख रहा है आप यहाँ पे, है ना। तो 8 किसका क्यों हो सकता है, 2 का, 2a/3 किसका होता है, सॉरी 7 किसका होता है, 3 का। इसको ये बट गया एक क्यू पर, एक पूरा हो गया एक, है ना। अब देखो b तो यहाँ पे बचेगा और 2 किसका होता है, सॉरी 8 किसका होता है, 2 का। तो b/2 देखो ये पूरा मान लेंगे a, पूरा मान लेंगे b, तो बैठ गया ये क्यू माइनस बी क्यू, मतलब क्या होता है a माइनस बी। तो a बोलो सर, a है 2a/3, अब b कितना है b/2, a माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, 2a/3 का होल स्क्वायर, 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए का मान 2a/3, अब बी का मान है b/2 प्लस बी स्क्वायर यानी b/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना। इतना दिन पे सी एम, 3 × 6 हो गया ना, तो द्वितीय के 6, दो तीन, सॉरी 3 × 6 2 है ना, 2 × 4 है, 2 × 3 6 3 × 2 है ना, इस टाइप से बैठे हुआ है। अब 2 × 4 1 2 × 9 और 2ab पर हो गया, तो काट दो उसको, तो पर बच गया 1 × b/3 अब b के स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। इसका फिर से सेम कर लेंगे तो आपको ये सारे सब सुन रहे। इस टाइप का हिसाब मैं इसकी पिछले वाला वीडियो में बता दिया था, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जो हिसाब आएगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला देखिए यहाँ पे, डायरेक्ट इसको बता रहा है, मैं उसको प्रूफ करूँगा कैसे आती है। तो फिलहाल चलते हैं उसको, हम लोग देखिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। 17 हिसाब से दिया हुआ क्वेश्चन के बच्चे, एक पहले स्टार्ट देखिए, मैं फार्मूला से खाता हूँ कि फार्मूला होती क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी जगह में कंपटीशन एग्जाम में भी उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि वहाँ आपको दिमाग लगाने को बोलता था कि शॉर्ट आपसे बन सके, टाइम कम लगे, है ना। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन जो जो हिसाब आया उस पर कैसे इसका फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऑफ 100। सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कन्फर्म यही होता हो, बिल्कुल याद नहीं मांगेगी, नई फॉर्मूला इसकी होती है ना। ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से इतना बराबर हम लोग इतना एक फॉर्मूला बना के रखे हैं, कितना ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। प्यारे बच्चों यहाँ से देखना कि मैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूँ। तो देखो अगर इस इधर सोलो करते हो तो ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बड़ा टेंशन वाला हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि इधर सोल्व करना आसान होगा। क्यों बच्चे, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है और इसको इसको मल्टीप्लाई करना, तो गुना मैंने आपको सिखाया, तो उसको हम लोग सबके लिए करके RHS से
नहीं, एक बात आप जानते हैं कि किसी तरफ से भी फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपको छोटे बच्चे पसंद नहीं उसका है। तो RHS क्या है बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में आ जाइए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इतना बात RHS में दिया हो। अब इतना बात से हम इतना ला देंगे तो प्रूफ हो गया है ना। तो करेंगे क्या बच्चे, ध्यान से देखना, एक पॉइंट उठाएंगे और सारे में गुना करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी है ना। सब मानिए अगर एक बिस्कुट है वहाँ पे बहुत सारे लोग है तो क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा पड़ेगा लेकिन बहुत सारे लोग को देना हम लोग उचित समझेंगे है ना। तो मल्टीप्लीकेशन एक आता है, अगर यहाँ पे एक चीज उठा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें उतना सारे गुना करना पड़ेगा। बारीकी से देखो, कोई कड़ा नहीं है, बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा ठीक है, ध्यान से देखो। तो बच्चे सोचो है ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए गुने ए स्क्वायर गुना हो जाएगा एक, ये बात आप समझ लेंगे है ना। तो देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अब बच्चे यहाँ ए है, यहाँ बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, तो सिंपल फंडा था इसका। अब बच्चे यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो क्या कर देंगे इसको ए सी के स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी आ जाएगा ए सी के, सॉरी सॉरी हाँ ए सी के स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप देखना है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान देखना प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए भी है, अब तुम सोचो किस में गुना होगा, तो ए वाला पार्ट ए वाला गुना में होगा, तो ए गुना ए ए स्क्वायर, अब बच गया क्या बी, उसको भी इसे लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, लिखा जाएगा माइनस। अब सोचना यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ तो ए का कोई पार्ट मिला नहीं, तो सिंपल लिख देंगे ए बी सी है ना प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो क्या लिखा जाएगा सी ए गुना ए ए के, बड़ा होगा पर लेकिन समझने थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना। अब देखो बच्चे अब इसको उठाएंगे, इसके इसको लेंगे ना, इसको ले करके इसके साथ पूरा के साथ आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक के बारे में नहीं आता है तो घर पर दो बार वीडियो पर आराम से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तो हो गया, अब इसको उठाएंगे और दोनों सबसे बारीकी बारीकी से गुना करेंगे, सोचना यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस ही प्लस दे देंगे। अब देखो बी है, यहाँ ए है, तो बी गुना ए स्क्वायर, तो क्या बोल देंगे बी के स्क्वायर। अगर ये बात कंफर्म नहीं हुई तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ बी है, यहाँ ए स्क्वायर, पहले किसको लिख सकते हैं ए को स्क्वायर, किसको ना आगे, नहीं दिक्कत है, अरे ए आगे लिख सकते हैं, अल्फाबेट प्रोसीजर है, तो ए गुना ए स्क्वायर गुना बी, तो क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर गुना बी, यहाँ तक आप कन्फर्म होंगे। अब बच्चे ए भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बी गुना बी स्क्वायर, तो बी क्यों हो जाएगा, यहाँ तक तो दिक्कत तो है नहीं आपको। अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिख दो, अब बी गुना सी स्क्वायर, तो बी सी के स्क्वायर, ये बात तो समझ सकते हैं है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है ना। अब देखो यहाँ ए बी है, यहाँ क्या है बी, तो किस में गुना, खुद सोचो ए तो बच जाएगा सिंपल फंडा में, अब देखो बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात मेरे को है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस है ना। अब सोचना बी गुना माइनस बी सी है, तो देखो बी बोला तो बी में गुना होगा, तो बी गुना बी बी स्क्वायर, अब बच गया सी, इसी को लिख देंगे उसी तरह, ये प्लस है, माइनस है, बचेगा माइनस है ना। अब देखो यहाँ बी सी ए है ना, तो बी यहाँ पे सी ए है, बी सी ए इसको लिख सकते हैं ए बी है ना, ए बी कोई दिक्कत नहीं है, अल्फाबेट कुछ सुधार दीजिएगा, ए बी सी यहाँ तक लिखा गया। अब सोचो अब इसको गुना करेंगे इसके साथ, अब पूरा को ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस लिखा जाएगा आप, और सी गुना ए स्क्वायर, सिंपल बोल दो सी स्क्वायर होगा सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में, और सी गुना बी स्क्वायर, तो सी बी के स्क्वायर होगा, यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ए बी प्लस में, ए बी प्लस में, प्लस लिखेंगे सी गुना सी स्क्वायर, तो सी क्यों हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आपको, ये प्लस है, ये माइनस माइनस हो गया। अब देखना सी गुना ए बी, सी ए बी इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ए बी लिखा हुआ है, सी कर दो, क्या हो गया ए बी सी, ए बी सी। प्यारे बच्चों ये माइनस ये प्लस माइनस, अब देखो यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो बी लिखा जाएगा सी गुना सी सी, यहाँ तक के आपको
दिक्कत नहीं होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ उसे। अब देखना बच्चे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कर देंगे पहले, अस्सी गुना सी, सी स्क्वायर गुना ए, हो गया। अब यहाँ तक देखना कौन कौन कटेगा, कटने का मतलब होता है वही संख्या एक बार प्लस में होगा और वही संख्या एक बार माइनस में होना चाहिए। देखो पहला बच्चे यहाँ पे आ रहा है कि ए बी के स्क्वायर, अब देखो कहीं पे ए बी का स्क्वायर है क्या, कहीं पे देखो अगर ए बी का स्क्वायर मिल जाता तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो वहाँ पे ये प्लस में ए बी का स्क्वायर है, यहाँ क्या है माइनस में बी का स्क्वायर, दिख रहा आपको, तो बच्चे ये फंडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस में ए सी स्क्वायर है, कहीं देखो ए सी स्क्वायर है क्या, ए सी का स्क्वायर, तो सोचना कहीं पे दिखा, कहीं पे तो मिलेगा आपको, कहीं पे तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, ए सी के स्क्वायर कहीं पे नहीं, ए सी का स्क्वायर है, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी स्क्वायर है ना, तो वही बात लिखा हुआ है ए सी, ये पहले हम आगे कर सकते हैं, जिसको मन करे तो आप आगे कर दो, है ना। तो ये प्लस में हो गया, क्या चीज हो गया माइनस में, यहाँ पे कट गया। अच्छा और देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर भी है, ए भी फंडा क्या हो गया ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस सी ए का स्क्वायर है ना, माइनस सी ए का स्क्वायर है। अब देखो प्लस में सी स्क्वायर कहीं पर है क्या, एकदम है सर, देखिए यहाँ पे ये कट रहा है। अब देखना यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, ये तो कटेगा नहीं चूंकि बिल्कुल दाना है, बी सी का स्क्वायर है, तो देखो कहीं पर और बी सी का स्क्वायर है क्या, बी सी का स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर खत्म हो रहा। दुकान सी बी का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो ये बात है, ये प्लस में सी बी का स्क्वायर, यहाँ भी है सी बी का स्क्वायर है ना। अब देखो बची है क्या, ए क्यू बचा हुआ है यहाँ पे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बी क्यू बचा हुआ प्लस में, बी क्यू और प्लस में देखिए सी क्यू बचा हुआ, और माइनस में कौन कौन बचा हुआ, एक ए बच गया माइनस में, ए बी सी अगेन कौन सा बचा हुआ, फिर देखिए बचा हुआ माइनस में ए बी सी, फिर बचा हुआ माइनस में ए बी सी, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितना हो गया, तीन हुआ, फिर बोलते हैं माइनस थ्री ए बी सी। ये फार्मूला आपको हम यहाँ से प्रूव कर दिया, तो एक छोटा सा बात अगर सीख गए होंगे थोड़ा सा उसको नोट कर लो, आगे इसकी प्रक्रिया बता दो। अब देखना पहले बच्चों, क्वेश्चन जो 17 नंबर है इसी पे है, लेकिन इसके आगे मॉडिफाई क्या है, कैसे थोड़ा सा देखेंगे। एक मान लो कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये प्रूफ में वाला है, स्टार देखिए मैं मांगा उसमें क्या, कि यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान हम जीरो ले लेंगे तो कहता है कि सिद्ध कीजिए क्या, तो साबित करें, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, साबित करें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर रिजल्ट जो आएगा थ्री ए बी सी होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर, कैसे कैसे हो सकता है, अगर आप यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो रखे हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर लाना हमको थ्री ए बी सी, तो एक मिलकर ध्यान से देखो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो पिछला पहले फॉर्मूला सिद्ध किया था उसको हम लोग लिखते हैं, सत्यापन करते हैं, ध्यान से देना कैसे, जो पिछला फॉर्मूला है उसको हम तुरंत तुरंत क्या करते लिख देते हैं ना। तो पिछला था सारी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर था सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फंडा था पिछला फॉर्मूला को, कैसे आया मैंने आपको अभी वहाँ पे दिखाया। अब देखें प्यारे बच्चों, इसमें कहा था है कि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो, तो तुम लोग खोजो कि कहाँ a प्लस बी प्लस सी, तुमको दिख रहा है सर यहाँ पे लगता है ना a प्लस बी प्लस सी, और जहाँ a प्लस बी प्लस सी है वहाँ मान रखना है क्या जीरो, तो ऑटोमेटिक आप उतना मान रहे, कैसे तुरंत देखना यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस क्या हो जाएगा बच्चे थ्री ए बी सी, है ना, माइनस होगा थ्री ए बी सी, और जहाँ ए प्लस बी प्लस सी वहाँ क्या रखेंगे जीरो, तो यहाँ पर रख देंगे जीरो। और ये देखो इंटू में है, यहाँ ध्यान देना ये यहाँ गुना में ना है, दूसरा ऑर्डर दिया हुआ नहीं है, कैसे होती है गुना वाला चाहिए, ठीक है ना। यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी,
अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे q+vq+cq-3abc। अब बताओ जीरो में कितनी बड़ा भी संख्या को गुणा करो उसका वैल्यू क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। सब मान लो कि सर यहाँ पे जीरो लिखे हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं 4, 5, 8, 6, 9, 16, तो बताओ क्या होने वाला? ये जीरो होने वाला। मेरे यहाँ जो पढ़े होंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसको मैंने बताया था कि आखिर जीरो ऐसा होता क्यों है ना। यहाँ पॉसिबल नहीं बताना, सबकी सिस्टमेटिक होती है जबको पढ़ा जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चे, तो ये भी कोई मान लो संख्या ही हो है ना, तो जीरो मल्टीप्लाई के पूरा क्या बन गया? जीरो, ठीक है ना। अब देखो हमको लाना किसका मान, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लाना, ठीक है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू एक साथ रखेंगे, बाकी वही देखें उपति हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर देखे प्यारे बच्चों, ए माइनस में था उपति हो गई 3abc। ये आपको प्रूफ मैंने कर दिया, समझ में नहीं भी आया तो माफी चाहते हैं, एक बार दो बार देखना घर में आ जाएगी। अच्छा एक इसका एक पहला मेथड था, एक मेथड आओ इसको कर लेते हैं दूसरी मेथड से, तब तो समझ में आ जाएगा। अच्छा दिया हुआ क्या था प्यारे बच्चों, एक ही फंडा दिया है सर, क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है जीरो। इतनी छोटी सी बात आपको इसमें दिया हुआ, अब ध्यान से देखना बच्चे करेंगे क्या इसको, जो प्लस सी है ना उसको भेज दो ओ साइड, तो ए प्लस बी प्लस, अब देखना प्यारे बच्चों क्या चीज में प्लस में जीरो उस आ जाएगा क्या बनेगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे कितना पावर चाहिए, तीन पावर, क्या करेंगे दोनों और तीन को बोलते हैं घन, दोनों और घन करने पर है ना, दोनों और क्या करने पर घन करने, ठीक है ना। आप देखना बच्चे घन करेंगे यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर माइनस सी का क्यूब। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो तुरंत बोल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको मैं बताना भी नहीं चाहूंगा कि दिक्कत होगा आप लोगों को। अब देखो बच्चे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको सारी बातें आ होगी, एक क्या फॉर्मूला इसको होती है, इसके दो फॉर्मूला होती है, कौन सा? एक तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² एक ही होती है, एक और होती है प्यारे बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab + a + b, एक फॉर्मूला ये भी आ रही है, ये भी होता है। आपको कौन सा यूज करना होगा आप ध्यान से खुद देख के बता सकते हैं। देखो इसमें बताओ इसमें 3a² भी होगा, बताओ इसमें कहाँ कौन को प्रयोग करने वाले हैं, हमको तो 3ab चाहिए ना प्यारे बच्चों, तुम देखना हमको क्या चाहिए 3ab c हमको चाहिए, ध्यान से कहीं पर देखना 3ab चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए c, तो इसमें 3ab कहीं पे आने वाला है नहीं, इसको हम यूज करेंगे नहीं, किसको यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला को, तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों सर, लिखेंगे ये कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे यहाँ पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस होता है 3ab × a + b, ध्यान देने बात वाला हो गया ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से एक बात तुम्हें सीखना है, ये माइनस है और सी का क्यूब है, तो मैंने बताया था माइनस का जो घात रहेगा विषम संख्या होती है तो माइनस में ही आता है, ध्यान रखना कि माइनस सी का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ध्यान देने वाले बात ऐसा बच्चे का ध्यान दे देंगे तो फिर आपको सारी बातें सिखा दिया जाएगा। अब ध्यान से ना आप देखो ध्यान से, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर लिख देंगे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। अब देखो इसका मान हमको पता है कैसे सर, यहाँ से देखो a प्लस बी का मान बोलो क्या लिखो, माइनस सी है ना, तो बच्चे हमको यहाँ ए बी सी तो लाना ही था, तो सी खाली ए बी तो दिख रहा है और सी नहीं दिख रहा है, अब वो भी दिख गया कि सर ए प्लस बी का जो मान है यहाँ पे क्या ले लेंगे हम माइनस सी, तो बच्चे यहाँ जो ए प्लस बी लिखा वहां पे लिख देंगे हम लोग क्या माइनस सी, बराबर यहाँ लिखा जाएगा माइनस सी का क्यों, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा बात को समझेंगे, ये क्यू प्लस बी क्यू, अब देखो ये प्लस है क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 3ab क्या बच गए सी, समझा
समझ गया माइनस सी क्यू। अब देखना थोड़ा सा, यहाँ हो गया ये क्यू, यहाँ हो गया प्लस बी क्यू, ये क्या चीज है माइनस में, ये पार्टी प्लस में सी क्यू, ये क्या चीज है माइनस में ऊपर टी प्लस में थ्री ए बी सी। हम लोग ये तो लाना था हमको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या लाना था थ्री बी सी। तब को दो मेथड से सिखा दिया जाएगा, ज्यादा उचित नहीं है, कितना मेथड से बताते रहेंगे ना, तो सीख गए होंगे इसका मैं तुरंत कैसे यूज होता है हिसाब पर मैं तुरंत बताता हूँ। थोड़ा सा इसको लिखो बच्चे, है ना। देखिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कैसे आता है अगर ये भी पता नहीं होगा तो फिर बच्चों क्लास में पढ़ने का मतलब क्या होता है, बड़े क्लास में तोड़ा दिया जाता है ऐसे करके, वहाँ पर हिसाब बना, वहाँ से कंसेप्ट से मतलब आपको नहीं होता। एक प्यारे बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट सीखना सर कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए अब देखना बच्चे 16 तक आपको हिसाब बताया गया था, लेकिन चलते 17 पर ही लिखा हुआ है उस को भरे, लेकिन इसके बगल में कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है फॉर्मूला भी लिखा हुआ, कंडीशन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होना चाहिए। अगर सोचो a वाला बात जीरो हो जाता है तो ये फॉर्मूला बताया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है थ्री ए बी सी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होती है प्यारे बच्चों, तब जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए जीरो, अब बड़ा होइएगा तो यही बात आपको सिखाया जाएगा रिमाइंडर थ्योरम में, है ना। सेसफल पर मैं चैप्टर है बड़ा सा पढ़ना बड़ी क्लास में, वहाँ पे आपको सारी बातें फिर से बताई जाएगी, लेकिन इतना नहीं होगा कैसे आता होने बताया जाएगा, फिर बोल जाएगा ऐसा ऐसा होता है ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ कहता है कि यदि x प्लस y प्लस z, देखो यहाँ पे तो a b c है तो a प्लस b प्लस c कर दिया, अगर यहाँ पे कहीं पे x y z है तो x से बात करेंगे ना, तो यहाँ a q b q c q तो होता है a प्लस b प्लस c बराबर जीरो, और यहाँ पे है x q y q z तो क्या बोलेंगे x प्लस y प्लस z बराबर जीरो। अब बोलता है कि इसकी गुणनखंड बताइए, तो प्यारे बच्चों आप देखो याद करो a q a का मान लो कितना x, जहाँ b है क्या मानेंगे बाई, जहाँ c है क्या मानेंगे z, और उसका दिया है b प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि x प्लस बाई प्लस जेड बराबर जीरो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला आप लोग बोलेंगे थ्री ए बी सी होता है ना, थ्री ए बी सी, तो थ्री लिख दो कुछ नहीं करो, यहाँ को चाहिए x, यहाँ को चाहिए y, यहाँ को चाहिए z, ये बन के तैयार होंगे। सर इतना आसान कैसे कर रहे हैं, बोलो यही तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जी थ्री ए बी सी होगा, कब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बोल दे तब, ये कैसे होता मैंने आपको भी बताया था, नहीं समझ आ रहा। फिर से प्यारे बच्चों एक पर ध्यान देने वाला बात ये हुआ कि सर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर तुरंत आपको प्रूव किए हैं कि होता है थ्री ए बी सी। अच्छा ये कब होता है थ्री ए बी सी, सर जब जब इसका मान हम जीरो रखे थे, इसका मान a प्लस बी प्लस सी का मान हम जीरो रखे थे तो ये q प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो गया था थ्री ए बी सी। तो बच्चे यहाँ पे ए क्यू बी क्यू नहीं है बल्कि x y है, तो क्या दिक्कत है, अगर x है y है z है तीनों का मान है जीरो दिया हुआ है, ये तो फिर दिक्कत तो ना नहीं चाहिए, है ना, थ्री एक्स वाई जेड हो गया ये हो गया सब। अब देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं करने वाला हूँ सेम क्वालिटी से, अब तुम इसके जो दो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा रहेगा ईमानदार आदमी बड़ा इंसान रहता है सुख दिमाग का काम करता है ना, करेगा क्या वो ये फटाफट इसका क्यू निकालना शुरू करेगा, ए माइनस बी का होल क्यू, बी माइनस सी का होल क्यू, सी माइनस सी का होल क्यू, और करते रहो पूरा, ये इसका क्यू कीजिएगा इसका क्यू कीजिएगा, पता बोर्ड भर गया ऐसा बनाने, तो वैसे नहीं करना, इसको देखना ये पूरा को मान लो ए तो हो गया ए का क्यू, पूरा को मान लो बी हो गया बी का क्यू, पूरा का मान लो सी तो क्या हो गया सी का क्यू। तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है क्या थ्री ए बी सी होती है, अरे होता है एकदम होता है, कब होता है सर जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, ए बी सी है ना तो जीरो कर दिया है, ओ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ठीक है ना, सिर्फ टेंशन मत लेना। अब सोचो यहाँ ए का मान क्या है, तो सर ए माइनस बी है, तो फटाफट करेंगे ऐसे कैसे ऐसे कि सर ए का मान ए माइनस बी है, चलिए बी का मान करना है बी माइनस सी है, फटाफट सी का मान करना है तो हमें लगता है कि सी माइनस ए, ये आपका आंसर है, सोचना कुछ नहीं कि सर इतना ही होता है, इतना ही होगा नो डाउट। अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम सोल्व करना चाहेंगे देखो यहाँ ए का मान कितना है टू ए माइनस थ्री बी, यहाँ बी का मान कितना है थ्री बी माइनस सी, यहाँ सी का मान कितना है सी माइनस टू ए, ए का क्यू
बिकर क्यू सिकर फॉर्मूला क्या हुआ था ए थ्री ए बी सी। तो ये का मान बताओ, तो सर ए का मान है 2-3b। चलिए बी का मान बताओ, तो 3b-c। चलिए सी का मान बताओ, तो c-2। ये हो गया सर, दिमाग मत लगाने से ज़्यादा, तो छोटा छोटा हिसाब है, एक दो इसमें और है, मैं उसको सोच करके आपको आगे क्यों बढ़ाते। ठीक लिख, ध्यान से देखना। अब जो है 17 में 3 हिसाब और है, तो 2 तो बहुत ही चीज है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, बड़ा आसान। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ ए को मान लेंगे, ये पूरा को मानेंगे, ये पूरा को मानेंगे, बी पूरा को मानेंगे, सी। देखने वाले बात यहाँ क्या है बच्चे, जो फॉर्मूला होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab c, है ना। ये कब होता है सर? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाती है तब। अब ध्यान देने वाली बात यह हुआ कि सर यहाँ पे तो सी प्लस में होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ लगता है ना कि ये 8 जो आ गया, यहाँ तो प्लस में है, यहाँ पे प्लस में नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सर ये आ गया निगेटिव माइनस में, तो फंडा बच्चे माइनस में अप्लाई नहीं करना, ये हमको यहाँ पे प्लस में होना चाहिए। अगर ये माइनस सी में आ जाए तो कोई दिक्कत हमको उससे नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे प्लस में आनी चाहिए। तो इसको मैं लिखने के तरीका बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखिएगा इसको लिखने के, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्लस में यहाँ पे लाना चाहिए, यहाँ प्लस में हर हाल में आनी चाहिए। तो सी का क्यों हो गया प्लस ए माइनस बी माइनस सी का क्यों हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको चाहिए यहाँ प्लस, दे दो प्लस। अब लेकिन जो 8 किसका क्यों होगा ना, 2 का क्यों होगा, 2a देंगे इसका होल क्यूब। लेकिन देखो एक्सप्रेशन में जो दिया है बच्चे, वो आना चाहिए रियली में माइनस, हालांकि हम प्लस ले दिया, अपना मन से प्लस कुछ काम कर सकते हैं नहीं ना, तो उसी को कंसीडर बैठाएंगे। कैसे? यहाँ दे देंगे माइनस। अब बात जानते हैं कि सर माइनस पर बारे विषम संख्या होता है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो घट के आ जाएगा कितना, 2×4 = 8, 8 क्यूब ले क्या चलेगा माइनस में। अब देखो ये आ गया माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, लिखा हुआ बात माइनस में ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने घुमा दिया। ये देखो ये बात लिखा हुआ माइनस में, लेकिन ये देखो प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, लिखा हुआ माइनस में, लेकिन हमको यहाँ हर हाल में प्लस होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको वहां पे प्लस में कर दिया। ये बनेगा किस तरह, बस बन गया। देखो ये क्यू पूरा ये मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, इसी मान लेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है 3ab c, तो 3 लिखो। अब ए का मान बोलो, ए का मान इतना फिर ना, ए प्लस बी प्लस सी। अब बी का मान बोलो, तो बी का मान है ए माइनस बी माइनस सी। अब सी का मान बोलो, तो सी का मान कितना, माइनस 2। यही फंडा आपको समझना, अगर आप समझ गए होंगे तो फिर बड़ा आसान लगेगा, और फिर बड़ी कष्ट होगा। देखो ध्यान से मुझे ए हिसाब तो और लीजिए, कैसे पहले बच्चों यहाँ ए क्यू हो गया प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू, प्लस में सी क्यू। देखो ये तो बनाना आसान बिल्कुल आसान है, 3 लिख दो ना। अब ए का मान बोलो, ए का मान है सर 3a-4b। अब ए का मान बोलो, तो 4b-5c। अब सी का मान बोलो, तो 5c-3a। ये तो बड़ा आसान था, इसको आप लोग सॉल्व कर दें। देखो यही बात थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे इस पर, कहता है कि जब यदि p बराबर माइनस 2a हो, 2-a है ना, p बराबर 2-a हो, तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला हम लोग जाना करते हैं, इसकी फॉर्मूला सर, इसकी फॉर्मूला कैसे, वो ध्यान देने बाद यहाँ पे आपको आएगी। कैसे देखो, जैसे मैं लिखा वहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab c बराबर फॉर्मूला इसकी बोलना, तो सर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना बराबर इतना फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, हमने प्रूफ भी किया इसको, तो इसी फॉर्मेट में इसको आपको बैठना पड़ेगा। तो चलते हैं LHS से लाना आपको LHS।
क्या लिखा हुआ सर? ए क्यू प्लस पी का क्यू माइनस एट प्लस सिक्स ए, इसको हम लोग सोल्व करें। कैसे? ध्यान देने वाले हुआ ध्यान से देखना। तो ए का क्यू, तो ए का क्यू लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब बी का मान पी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और प्लस एम हमको चाहिए है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और माइनस में चाहिए थ्री है उसे, तो आठ है, जिसको लिखेंगे माइनस दो का क्यू। अभी फंडा बताया कि सर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ये कब विषम पावर रहेगा तो, और प्लस में होता है थ्री ए, तो ए बोलना ए, अब बी बोलना बी, और सी बोलना माइनस टू, माइनस टू। तो ये फंडा गड़बड़ा है, यहाँ फंड से गड़बड़ा रहा है, तो यहाँ पे लगा देना, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए प्लस में है ना। अब देखो तीन दोना के छः, तो छः गुना ये भी प्लस माइनस, तो ये आ रहा माइनस, यही गड़बड़ था। हमको यहाँ कर देते हैं क्या, माइनस थ्री ए बीस होता है कमला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस। अब देखना माइनस माइनस प्लस, और तीन दोना के छः, ए गुना पी ए पी, यहाँ तक पहले क्लियर होगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी सर? इसकी फॉर्मूला इस पर होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी से बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इतना जानते हैं, ए का मान बोलो ए, अब ए का मान बोलो पी, और सी का मान बोलो कितना माइनस टू है ना, ये हो गया ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर था ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था बी का स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर था माइनस टू का स्क्वायर, और प्लस में आता है ए बी, सॉरी माइनस में आता है ए बी, नीचे मैं लिख दूँ जगह बचो था ए बी, तो ए बी ए का मान ए है बी का मान बी है ए बी है ना माइनस में, अब बी सी बी सी सी हो गया बी, अब सी का मान करना माइनस टू है ना, अब माइनस सी ए सी का मान माइनस टू, और ए का मान कितना प्यारे बच्चों ए, यहाँ तक आप सीखे। तो अब देखना यहाँ पे लेके चलते हैं ए प्लस पी प्लस टू में, ध्यान से ए, अब देखो जहाँ p लिखा हुआ वहां लिख सकते हैं कितना टू माइनस ए, ए प्लस पी है ना, जहाँ p के बराबर दिया मान कितना टू माइनस ए, तो टू माइनस ए, अब प्लस लिखो तो ये प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा बातें, ये बात अब हो गया क्लियर। अब इधर जो कुछ भी है मैं उसको रहने देता हूँ, ये बात लिखा है आप इधर, इतना बात सारे आप उसको उतार दीजिए, तो सिखा रहा हूँ क्या, इतना बात आप यहाँ पे उतार दीजिए, सेम बात उतार लेना ठीक है ना। आप देखना तो देखो ये प्लस में है, ये क्या चिन्ह है माइनस में कट गया, ये प्लस में क्या चिन्ह माइनस में, यहाँ कितना बच गया जीरो, तो जीरो गुना अगर जो भी लिखा रहेगा क्या आएगा, नहीं समझा, यहाँ पे इतना बात यहाँ पे इसको उतार लो, कुछ इसमें करना हो ना जैसे लिखा उसे लिख लो। तो ये प्लस में था माइनस में कट गया, ये प्लस में था माइनस में क्या हो गया कट गया, तो जीरो आ गया, जीरो में कुछ भी गुना कर दो उसका मान रिजल्ट आएगा जीरो। सीखिए इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं अर्शन नंबर पे। देखिए बच्चे मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं उसको देखता हूँ कि वो बार बार रोता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार बच्चे रोता क्यों, तो रोने के पीछे कई एक ही कारण है, या तो उस बच्चे को किसी प्रकार का तकलीफ होता हो यानी हर्ट होता हो तब रोता। मेरी मम्मी मुझे कहा करती है कि तू बचपन में कभी नहीं रोया था, मतलब रोता नहीं था ठीक है, बच्चे लोग छोटा में तो बहुत रोते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ हमारे एज हुई हम रोना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी मेरा हाल क्या है, मैं जो रोता हूँ है ना, कुछ लोगों से हर्ट होती है तो हमें रोना आता, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ ठीक है, तो कुछ लोग भी हमें थोड़ा सा हर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत रोता हूँ। अब पता नहीं ये लाइफ कब तक चलते रहेगी रोने वाला, मतलब पूरी लाइफ रहेगी क्या। तो पहले बच्चों रोना आपकी समस्या का समाधान नहीं है, ये मेरा मानना है, हालांकि अलग बात मैं रोता हूँ लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है। आप उसकी जड़ तक जाओ, उसको समझो, और उसकी जो क्लियरनेस होती है, उसकी जो सफाइनेस होगा उसको ध्यान दो कि आखिरकार उसका रिजल्ट क्या होने वाला है और हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन मैं बात बोला हूँ ऐसा करने वाला मैं नहीं हूँ ना, तो आप लोग ध्यान देना, रोना नहीं कर जीवन में। कहावत है
कि हंसना है जिंदगी, कुछ रोरो का तो शायद रोना कुछ गाना इस टाइप का है, हंसना ये जिंदगी है, रोरो का तो जीवन खोना है। मतलब कि कहा जाता है कि रोरो ना एक जीवन को खो देना होता है, फिर भी लोग रोते हैं तो रोना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित बहुपद क्वेश्चन नंबर 18 पर लेके चलते हैं हम। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें, तो ये इस फॉर्मूला पे आपको सेट करना पड़ेगा। इतना फॉर्मूला आपको दिया रहता है, आपको इतना लिखना पड़ेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, आपको इतना इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इसमें लाने के बाद प्यारे बच्चों, इसमें लाने के बाद आपको इतना लिखना पड़ेगा, चूंकि कितना और इतना होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। तो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ क्या हुआ बच्चे, कि हमको चाहिए ए क्यू सब यहाँ तक प्लस में, ई चाहिए माइनस में, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स तौर पर लिखेंगे यहाँ देना पड़ेगा प्लस, क्योंकि चाहिए हमको प्लस, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्या है, वास्तविकता में यहाँ पे है माइनस, तो उसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, उसको माइनस लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस बाई का क्यू। अब देखो यहाँ पे एक बार समझ जाओ, अगर माइनस पर पावर सम संख्या ले इवन है ना, तो ये प्लस में आती। अगर माइनस खुद में संख्या ले, अगर माइनस पर पावर आपको आ जाए विषम संख्या, तो ये होती क्या चाहिए बच्चे माइनस। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, चलिए माइनस दू का दू पर पावर दू, तो ये सम है, दो तो सम हो तो जानते हैं, दो जीरो सिंपल फॉर्मूला समझ लो, जीरो दो चार छः आठ, ये होती है सम संख्या, एक तीन पाँच सात, ये होती है विषम, जिसके अंत में इतना वर्ष होता है, जिसके अंत में कोई बड़ी संख्या लिखा रहे हो आ जाए दो बोलना सम संख्या है, आठ चार बोलना सम संख्या, छः आ जाए सम, आठ आ जाए विषम, है ना। अब विषम करना कितना होगा, एक तीन पाँच सात, जीरो सम में आता, ठीक है धन्यवाद। तो दो का स्क्वायर है माइनस दो का स्क्वायर, इसको लिख सकते कैसे, माइनस दो गुने माइनस दो, है ना, चूंकि दो का स्क्वायर होगा वही होता, तो माइनस माइनस प्लस दो दुना की चार। अब देखो ये सम था तो क्या जमा गया प्लस में, है ना, ये मैं कर दे माइनस दो का क्यू कर दूँ, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा माइनस दो गुने माइनस दो गुने माइनस दो, अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस दो दुना चार चार दुनिया आठ, ये क्या जमा गया, अगर बीसा में क्या जमा माइनस का, तो मैं वही बताया कि किसी संख्या माइनस में रहे उसको पावर सम आ जाए तो प्लस में आएगा, नो डाउट। अब की संख्या माइनस में रहे उसका पावर विषम में आ जाए तो क्या चाहिए माइनस में, ये बात मैं कई बार सिखाया हूँ, इधर वो यहाँ सिखा रहे चुके हैं, बहुत उसका यूज होने वाला है। अब देखो बच्चे तीन तो ऐसा संख्या विषम संख्या, माइनस पावर है माइनस में, तो ये जो आएगा क्या चुमेगा माइनस में आएगा, है ना, देखो प्लस माइनस माइनस, वही बात लिखा थोड़ा सा बुरा कर लिखा मैंने। अब देखो फिर यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा चूंकि प्लस में सी क्यू चाहिए हमको, लेकिन यहाँ अंदर क्या लिखेंगे माइनस जेड का क्यू, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान देने बात एक हुआ कि प्लस माइनस क्या हो गया, लिखा हुआ वही बात लेकिन थोड़ा सा लिखने का स्टाइल मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे होता है माइनस थ्री, तो थ्री लिखो ए, ए कितना है एक्स, अब बी बी कितना है माइनस वाई, और सी सी कितना है माइनस जेड, तो सर लगता है प्लस में हो गया क्या, नहीं देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस से लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करो। अब देखो इस पर ये पूरा फंडा सेट है, तो क्या फंडा होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो ये भी है, तो ये का मान कितना है एक्स, तो एक्स और प्लस बी प्लस बी और प्लस सी और प्लस सी, है ना बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए का मान देखना, ए का मान है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर, अब बी का मान है माइनस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, सी का मान है माइनस जेड माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए का मान एक्स, अब बी का मान माइनस वाई, और माइनस बी सी, तो बी का मान बोलना, बी का मान प्यारे बच्चों माइनस वाई, और सी का मान भी है माइनस जेड, और माइनस सी है तो सी का मान माइनस जेड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, और ए का मान कितना है एक्स, आपको ये सारी बातें आराम आराम से समझनी पड़ेगी, ना फिर कन्फ्यूज करेगा। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ से क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे इसको ये, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, कष्ट ना हो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस वन माइनस थ्री,
अच्छा अब देखना, यहाँ पे हो गई एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखना करें जो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखना ये माइनस पर पावर सम है तो क्या सम है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखना पहले बच्चों ध्यान से, माइनस माइनस प्लस एक्स गुना वाई एक्स वाई। अब देखना ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे समझो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस से माएगा बाई गुना जेड बाई जेड, ये माइनस माइनस प्लस जेड गुना एक्स जेड एक्स, इतना ही आपका आंसर है। तो ये दोनों हिसाब तो साइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जगह तो बचता नहीं, लॉन्ग लॉन्ग हिसाब है। अब एक हिसाब और समझते हैं ध्यान से देखें। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस वन थ्री लिखा, इसको सेट करना थोड़ा सा सेटिंग करना मेन आपका परेशानी है। यहाँ देखो ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, सी तक प्लस में लाना, और ये जो ए बी सी है यहाँ ए बी है क्या लाना पड़ेगा माइनस, यहाँ ए बोलना तो ए का क्यू, बी बोलना तो क्या होगा माइनस बी का क्यू, सी बोलना तो माइनस वन का क्यू है ना, और माइनस थ्री ए का मान बोलो ए बी का मान बोलो माइनस बी सी का मान बोलो माइनस वन। सर ये बात सही दिखा हुआ गलत दिखा हुआ, देखो ये का क्यों हो गया और ये माइनस बी का क्यों तो माइनस एम आएगा चूंकि विषम पावर है, माइनस वन का क्यों तो माइनस एम आएगा चूंकि विषम पावर है। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ माइनस से थ्री गुना ए बी, थ्री ए बी हुआ अगर वैल्यू होता नहीं तो हाँ हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी है ना फटाफट कर, तो ए का मान बोलना ए बी का मान बोलना माइनस बी और सी का मान बोलना माइनस वन, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी प्लस सी। फिर होती है ए स्क्वायर, तो ए का मान बोलो ए स्क्वायर, बी का मान बोलो तो माइनस बी के स्क्वायर, सी का मान बोलो तो माइनस वन का स्क्वायर। फिर होता देखो हमें माइनस ए बी, तो ए तो रहेगा अब बी का मान कितना माइनस बी है ना, माइनस बी सी तो बी का मान माइनस बी है और सी का मान भी कितना है माइनस बी, माइनस सी है तो सी का मान माइनस वन है और ए का मान ए है। ठीक है यहाँ पे दिखेगा आपको, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ उसको सीखना। अब यहाँ पे देखो तो हो गया ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस बी माइनस हो गया। और यहाँ पे देखना तो ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, ए ही स्क्वायर होगा, देखो ये माइनस है सम बाबर है तो बी स्क्वायर प्लस में रहेगा तो वन का स्क्वायर वन होता है। अब ध्यान देने वाले बात यहाँ पे हुआ तो अगर एक दो हिसाब समझते हैं तो ठीक है, मैं एक दो और लेकर आपको समझाता हूँ लिखो तुरंत अच्छे, तो माफ इसके लिए आज इतना ही करते हैं, मन नहीं कर रहा करने का। तो इतना आप सीखे होंगे आपको सही बस समझ में आई होगी, आगे हम बढ़ेंगे आपको लेकर कल, ठीक है ना। डॉक्टर गुड लक, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए मन से बस एक ही बात।